हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त जस्सी। सो आज मैं इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रही हूं वो एक्ने पिंपल्स वालों के स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। सो आज मैं इस सीरम की बात करने जा रही हूं दोस्तों। ये सीरम ऑनेस्ट चॉइस का नियासिनामाइड बूस्टर फेस सीरम है फॉर एक्ने पिंपल्स एंड स्कार के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फेस पे पिंपल्स एंड एक्ने हैं एंड उसकी वजह से बहुत से डार्क स्पॉट एंड स्कार्स भी हो गए हैं। और आप लोग की स्किन पे एक प्रॉब्लम जो बहुत ही ज़्यादा है कि अगर आप कोई भी सीरम यूज़ करते हो स्किन पे तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट एंड नरिश तो कर देता है, बट दूसरे ही दिन जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि आपके चेहरे पे पिंपल्स एंड एक्ने और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या कहे तो नेक्स्ट डे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम में बढ़ोतरी दिखती है। सो ये जो सीरम है उन स्किन के लिए लाइक जिनके एक्ने पिंपल्स प्रोन की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की दिक्कत है फेस पे, या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो ये सीरम उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। ये ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल रखता है जिससे कि आपका फेस बिल्कुल भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। आपके एक्ने उससे बहुत जल्दी ड्राई होकर रिड्यूस होने लगते हैं और एक्ने से पड़ी स्कार्स को भी ये बहुत अच्छे से लाइट करता है। और साथ ही साथ ये सीरम आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल में मैं यही सीरम यूज कर रही हूँ, बहुत ही बेस्ट वर्क करता है। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एंड एक्ने स्कार्स पिंपल्स वाली है तो मैं कहूंगी बस एक बार इस सीरम को जरूर ट्राई करिए, हाईली रेकमेंड करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बता दूं कि ये सीरम आपके एक्ने पिंपल्स एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स पे इतना असरदार क्यों है। तो दोस्तों, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड बोल के एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही पावरफुल और असरदार होता है आपके एक्ने पिंपल्स के लिए, बिकॉज ये आपके फेस पे सेल्स को बिल्ड करता है जिससे न्यू सेल्स के आने से आपके एक्ने पिंपल्स फंगल इन्फेक्शन वाला जो आपका सेल्स है वो रिड्यूस होने लगता है एंड आपकी स्किन को स्ट्रेस भरी एनवायरनमेंट, सनलाइट, पोल्यूशन, टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करता है एंड एक्ने से। और दोस्तों, नियासिनामाइड आपके सेवरल एक्ने पे भी स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, नियासिनामाइड जैसी पावरफुल इंग्रेडिएंट से बने इस सीरम को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी स्किन टेक्सचर में भी बहुत इंप्रूवमेंट लाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एक्ने स्कार्स या पिंपल्स की प्रॉब्लम स्पेशली ऑयली स्किन वालों में ज्यादा देखी जाती है, सो उनके लिए ये सीरम बहुत ही सही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सीरम आपके स्किन के ऑयल को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। और एक खास बात जो इस सीरम की है, इसे लगाने पे आपकी स्किन खिंची हुई या ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसे आप अपने स्किन केयर रूटीन में भी जरूर इंक्लूड करें और आप देखेंगे कि आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से ये ड्राई करके आपके एक्ने को बहुत अच्छे से खत्म कर रहा है। इसका रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा जब आप इस सीरम को इस्तेमाल करना शुरू करोगे। इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद आपको ऐसा हल्का सा फील होगा कि आपका स्किन जो है वो हल्का पील कर रहा है, बट डोंट वरी, कोई भी एक्ने पिंपल्स रिड्यूस करने वाले इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को हल्का पील जरूर करती है, बट इससे कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपके पुराने डेड सेल्स को रिड्यूस करके न्यू सेल्स के आने में हेल्प करती है एंड नियासिनामाइड जो होता है वो आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, प्लस आपके पोर्स को भी ये मिनिमाइज करता है। ये सीरम आपके सन से हुए डैमेज को ठीक करने में भी काफी असरदार है। ये आपके खुले हुए पोर्स को टाइट करता है, लाइंस एंड रिंकल्स को भी ये ठीक करता है। तो चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत से यूजफुल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं लाइक प्योरीफाई वाटर, नियासिनामाइड, रिफाइंड ग्लिसरीन, फ्लेफ्लॉन, ग्लाइकॉल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, जिंक, ईटीसी। दोस्तों, मैं कहूंगी जिसकी भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है एंड ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये सीरम बहुत ही अच्छा है। कैसे इस्तेमाल करें तो चलिए मैं बता दूं। पहले अपने फेस को किसी माइल्ड क्लींजर से वॉश करके पैड ड्राई करके ड्राई कर ले, फिर इस सीरम को जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अपने फेस एंड नेक पे ले ले उतने ड्रॉप, देन अपने टू फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। एटलीस्ट अपने स्किन पे 2 से 3 मिनट तक मसाज जरूर करें फॉर बेटर रिजल्ट। आप इसे अपने मॉर्निंग एंड नाइट के स्किन केयर रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। और मैं बता दूं, ये 30 ml का सीरम है, ये आपको Amazon पे 499 rupees में मिल जाएगा। मैंने वहीं से परचेज किया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो या चेकआउट कर सकते हो। जाते जाते एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे इस सीरम का रिजल्ट रियली में बहुत ही अच्छा देखने को मिला, स्पेशली मेरे जो थोड़े बहुत एक्ने हैं एंड ओपन पोर्स पे स्किन टेक्सचर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मुझे। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा इसका रिजल्ट। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस सीरम से रिलेटेड तो बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। अब दोस्तों, चलती हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाइनी ऑफ, बाय।